नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। इस वीडियो के साथ आप अगले 7 मिनट तक बने रहिए और इस पूरे वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। इस 7 मिनट में दिन भर की 6 बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो विमर्श न्यूज़ पर हर रोज़ दिन के 1 बजे तक की बड़ी खबरों के लिए आप जुड़िए विमर्श न्यूज़ से और देखिए हमारा ये खास वीडियो। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हो रही हत्या का मामला तुल पकड़ने लगा है। मामले को लेकर बिहार विधानसभा में बीजेपी का जोरदार हंगामा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लाएं, बीजेपी पर कार्रवाई जरूरी। विपक्षी एकता की मुहिम को लगा बड़ा झटका। ममता बनर्जी ने कहा, 2024 का चुनाव अकेले लड़ेगी टीएमसी। ममता ने कहा, हमारा गठबंधन जनता से। गया एयरपोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। एयरपोर्ट डायरेक्टर को मिली धमकी भरी चिट्ठी, मचा हड़कंप। कैम्ब्रिज में बोले राहुल गांधी, भारत में लोकतंत्र खतरे में, मेरे खिलाफ केस हो रहे। अफसर कहते थे फोन पर सोच समझ कर बोलना, बातें रिकॉर्ड हो रही। 5 मार्च को नालंदा में 17 केंद्रों पर होगी BSSC परीक्षा। नालंदा में 13,060 अभ्यर्थी होंगे शामिल। 23 दिसंबर को परीक्षा कर दी गई थी रद्द। और इंदौर टेस्ट में भारत की सर्वनाश हार। ऑस्ट्रेलिया ने 76 रन का रखा टारगेट, 76 मिनट में ही हासिल कर लिया। 9 विकेट से जीती ऑस्ट्रेलिया की टीम। तो ये थी हेडलाइंस, अब खबरें विस्तार से। तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों की हो रही हत्या का मामला अब तुल पकड़ने लगा है। बिहार विधानसभा में पिछले 2 दिनों से इस मसले पर जोरदार हंगामा चल रहा है। आज इस मसले पर तेजस्वी यादव जब बोलने के लिए खड़े हुए तो विपक्षी पार्टियों ने, खास करके बीजेपी के नेताओं ने जोरदार हंगामा किया। इस बीच बीजेपी के विधायक बेल में उतर गए और रिपोर्टर्स टेबल को पलटने की कोशिश की। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा, बीजेपी पर कार्रवाई जरूरी है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार विधानसभा में आज एक बार फिर तमिलनाडु में बिहारियों पर हो रहे हमले के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तमिलनाडु की पुलिस झूठा बयान दे रही है। विजय सिन्हा ने कहा कि डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खुद वहां गए थे, उन्होंने विशेष टीम भेजकर सरकार से पूरे मामले की जाँच कराने की मांग की है। उधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने तमिलनाडु में बिहारियों पर हमले की बात को सरासर झूठा करार दिया। इसके बाद सदन के भीतर जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी के विधायक बेल में उतर गए और रिपोर्टर्स टेबल को पटकने की कोशिश की। उधर नाराज विधानसभा अध्यक्ष ने संसदीय कार्य मंत्री से कहा, आप प्रस्ताव लाएं, बीजेपी के विधायकों पर कार्रवाई बेहद जरूरी है। इस पर संसदीय कार्य मंत्री ने कहा, आपके आदेश का पालन होगा। इन पे तो कार्रवाई करनी चाहिए। आप ज्यादा इस तरह के अलोकतांत्रिक काम करेंगे तो कार्रवाई करनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस तरह के आचरण करने वाले लोग को चिन्हित करके आप उन पर कार्रवाई करने के लिए महोदय, इस तरह की कार्रवाई सदन में किसी तरीके से बर्दाश्त लायक नहीं है। इस तरह की कार्रवाई ये बर्दाश्त लायक नहीं है महोदय। मैं संसदीय कार्य मंत्री से चाहूंगा कि इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए आप प्रस्ताव कीजिए। ठीक, इन्हें सदन से बाहर कीजिए। आप इन पर कार्रवाई करने के लिए आप तैयार होइए। एकदम, ये लोकतांत्रिक तरीके से सदन को चलने नहीं देना चाहते। आपके निर्देश का पालन होगा। चलिए, बहुत अच्छा। आपको बता दें कि तमिलनाडु में मजदूरों की हत्या के कई वीडियो सामने आए हैं। इस पर तमिलनाडु की सरकार ने कहा है कि ये सब फेक वीडियो है। इसी बात को तेजस्वी यादव कह रहे थे कि ये फेक वीडियो है, तो बीजेपी ने चैलेंज दिया कि अगर ये फेक है तो हम इस्तीफा दे देंगे, नहीं तो आपको इस्तीफा देना होगा। ये मामला तुल पकड़ रहा है, सरकार को इस पर जरूर सोचना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश में विपक्षी एकता को करारा झटका लगा है। पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव नतीजों में बीजेपी की लहर को देखते हुए ऐसा लगा कि ये झटका जोरदार का झटका है, लेकिन आज ममता बनर्जी ने उससे बड़ा झटका दिया। ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी का गठबंधन केवल जनता से है।
अगले चुनाव में टीएमसी अकेले चुनाव लड़ेगी। देखिए एक रिपोर्ट। एक तरफ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट होने की मुहिम चला रही हैं, वहीं तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने विपक्षी एकजुटता की इस मुहिम से खुद को अलग कर लिया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का फैसला किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनका गठबंधन जनता से है, दूसरे किसी से नहीं। कहां तो कहा जा रहा था कि टीएमसी के साथ मिलकर महागठबंधन बनेगा, लेकिन टीएमसी ने झटका दे दिया। अब एक चर्चा और छिड़ गई है कि टीएमसी को चैलेंज करने के लिए कांग्रेस के साथ बीजेपी भी मिल सकती है। ये बंगाल में होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बढ़िया, अगली खबर की ओर। गया एयरपोर्ट और पटना के कई ठिकानों को बम से उड़ाने की मिली धमकी के बाद बिहार सरकार सख्ते में आ गई है। गया डायरेक्टर को एक चिट्ठी लिखकर आतंकियों ने गया एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी दी है, जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गई है। गया एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया है। गया एयरपोर्ट पर ड्रोन की मदद से हमला करने की धमकी मिली है। यह धमकी गया एयरपोर्ट डायरेक्टर बंगजीत सिंह साह को पत्र लिखकर दी गई है। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने इसकी सूचना जिला पुलिस के वरीय अधिकारियों को दे दी है। अब जिला पुलिस जांच में जुट गई है। ये पहला मौका नहीं है जब गया एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। इस तरह की धमकियां लगातार मिलती रही हैं। गया और पटना के कई ठिकाने हमेशा ही आतंकियों के निशाने पर रहते हैं। पुलिस की सतर्कता बेहद जरूरी है। राहुल गांधी इन दिनों विदेश यात्रा पर हैं। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उन्होंने एक भाषण किया है। कैम्ब्रिज में उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि उनके फोन टेप होते हैं। देखिए राहुल गांधी ने क्या क्या कहा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ब्रिटेन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्पीच देते हुए मंगलवार को भारत में विपक्षी पार्टियों, नेताओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की दिक्कतों का जिक्र किया। राहुल ने कहा कि मेरे फोन की जासूसी होती है, विपक्ष के खिलाफ केस दर्ज किए जाते हैं। भारत में विपक्षी नेता के तौर पर यह एक ऐसा दबाव है जो लगातार झेलना पड़ता है। राहुल की स्पीच का वीडियो सैम पित्रोदा ने शेयर किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल विदेशी धरती पर भारत को बदनाम कर रहे हैं। भारत यात्रा से राहुल गांधी को जितना लाभ मिलना चाहिए था, शायद वो लाभ उनको नहीं मिला। पूर्वोत्तर राज्यों के चुनाव के नतीजे तो यही कह रहे हैं। अब राहुल गांधी पर यह आरोप लग रहा है कि वो विदेश में देश को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। देखिए अगली खबर। इंदौर टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने गुरुवार को भारत को 9 विकेट से हरा दिया। भारत ने 76 रन का टारगेट दिया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने खेल शुरू होने के 76 मिनट में ही हासिल कर लिया। ट्रेविस हेड ने 49 रन की पारी खेली। इस जीत से कंगारू टीम ने 4 मुकाबलों की सीरीज में 2-1 की वापसी की है। सीरीज का आखिरी मुकाबला 9 से 13 मार्च तक अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। पिछले 23 दिसंबर को बीएसएससी की परीक्षा नालंदा में कई केंद्रों पर रद्द कर दी गई थी। वो परीक्षा एक बार फिर होने वाली है, ये 5 मार्च को होने वाली है। देखिए परीक्षा का शेड्यूल क्या है और किस तरह से विद्यार्थियों को अपने केंद्र पर पहुंचना होगा। बिहार एसएससी द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 23 दिसंबर को हुआ था। प्रथम पाली की परीक्षा रद्द कर दी गई थी। इसके साथ उसकी पुनर्परीक्षा जिले के 17 केंद्रों पर 5 मार्च को आयोजित की जाएगी, इसकी सूचना मिली है। इस परीक्षा में 13,060 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के गेट पर सघन जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। महिला अभ्यर्थियों की तलाशी के लिए महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगी। अभ्यर्थी अपने साथ केवल प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र एवं सामान्य अध्ययन, गणित और समाज विज्ञान की परीक्षा समिति द्वारा मान्य पुस्तक को ही परीक्षा केंद्र पर ले जा सकते हैं। तो ये थी आज की दिन भर की 1 बजे तक की खास खबरें। इस तरह के और अपडेट्स हम हमेशा आपको देते रहेंगे, लेकिन दिन भर की 1 बजे तक की बड़ी खबरों को देखने के लिए आप विमर्श न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarshnewslive.com पे, हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।